आदमी से हमारे सभी के समक्ष हमारे राष्ट्रीय प्रधान सबसे पहले मैं समाज के प्रति पंक्ति में गुजर करने वाले उनकी आवाज को आपके माध्यम से आप देश के चौथा स्तंभ हैं और आपने इन मजदूरों की आवाज़ को जो पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं अपने संगठन की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ। आज की बैठक हमारा तीन जोनल एनसीआर गोरखपुर जोन इलाहाबाद जोन के अंतर्गत जो हमारे सभी पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं उनकी एक सामूहिक कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ जो 1998 से लगातार माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उसके संस्थापक इस देश में पहली वो व्यक्ति है जिन्होंने माल गोदाम के श्रमिकों को हक अधिकार दिलाने के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में एक लंबे समय से हमारा ये संघर्ष चल रहा है, उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। हमारी पहली त्रिपक्षीय बैठक अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे 28 अक्टूबर 2003 को उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में हुआ और उस समय इन मजदूरों के हक अधिकार को देने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन और संविधान में जो इनके लिए नई जगह बनाने की बात हुई, लेकिन सदन के दोनों भारत के संसद से दोनों सदन से पारित न होने के कारण सरकार चली गई। 2010 से हम लोग 10 साल लगातार सड़क से लेकर संसद मार्ग तक आंदोलन करने का काम किए, जेल भरो आंदोलन किया, तीन तीन बार संसद भवन का घेराव किया। उसके माध्यम से पुनः जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और कोरोना के समय जब पूरा देश लॉकडाउन में था उस समय माल गोदाम के श्रमिक ही आगे बढ़ कर के पूरे हम सभी लोग कोर कमेटी बैठे हैं कि इस तीनों जोन के अंतर्गत जितने माल गोदाम के मजदूर काम कर रहे हैं उनका सही सही डाटा डेटा सब कुछ बेहतर तरीक़ा से उपलब्ध करा करके इस महीने के 20 से 22 तारीख तक कंप्लीट करके हम सरकार तक सुपुर्द करेंगे ताकि हमारा जो त्रिपक्षीय बैठक में जो मुझे हक अधिकार मिला, जो पॉलिसी बन रही है उसका मजदूरों को जल्द से जल्द उसका लाभ मिले और ये सारी समस्याएं मजदूरों के वो समाप्त होने का काम। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, प्रमुख मांगों को लेकर क्या कुछ खास सरकार से अपील करना चाहेंगे आप लोग? सरकार के साथ हमारी लगातार बैठक चल रही है और चूँकि श्रम मंत्रालय ने हमारे 13 मांग को अप्रूव किया और भारतीय रेल मंत्रालय को उन्होंने यह कहा कि आप अपने परमिशन में जो आपके अधिकार क्षेत्र में जो माल गोदाम का मांग है उसको जल्द से जल्द आप लागू करें और उस विषय में मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन लगातार विनोद कुमार यादव से लेकर करके जिया वर्मा सिन्हा तक हमारी बैठक चल रही है और हमारी पॉलिसी लगभग 80% तक सम्पन्न है। तो हम लोग का काम है कि इन सभी मजदूरों को डाटा सबमिट करके हम सरकार को दें ताकि इस काम को जल्द से जल्द हम लोग करा सकें। आज इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? इस बैठक के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी तीनों जोनल के पदाधिकारियों को श्रमिकों का कि हम लोगों ने 26 साल से लड़ाई लड़ा, इस सरकार का 10 साल हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, तो 10 साल हमने भी लगातार महाधिवेशन कर करके बैठक करके अपनी समस्याओं को रख करके कैबिनेट की बैठक करा के त्रिपक्षीय बैठक करा के हम लोग यहाँ तक अंतिम मुकाम तक पहुँचे हैं। अब समय कम है, हम लोग एक एक पल का सदुपयोग करते हुए आपसी किसी प्रकार का युगो उसको दूर करते हुए जब बड़ा परिवार होता है तो थोड़ा बहुत टकराव होता ही है, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करते हुए हम लोग एक लक्ष्य बनाएं कि जो एक सप्ताह में काम होना उसको एक दिन में हम लोग ख़त्म करके इसको संपन्न करने का काम करें। इस तरह से आप लोगों ने कहा कि 10 साल से कार्यरत हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समुदाय आप लोग विशेष तरह से जुड़े हुए हैं, 2024 में क्या कुछ रुझान देखने को मिलेगा? रुझान क्या है? रुझान तो अभी आपके समय चुनाव हुआ, कई स्टेटों का चुनाव हुआ है, मुझे लगता है देश में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैं आपके आपके आपकी प्रमुख मांगों को लेकर क्या कुछ रुझान रहेगा? मेरा प्रमुख जो लोकसभा चुनाव, मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले हमारी सभी मांगे पूरा करने के स्थिति में सरकार है और हम लोग अपने जो हमारी ताकत है हमारी यूनिटी है अगर इस चीज़ को संपूर्ण तरीके से अगर कंप्लीट कर लें तो मुझे लगता है 2024 के चुनाव से पहले
हम लोग विजय रथ निकाल करके इस काम को करने काम करेंगे। दूसरा, इस देश में लगभग 6 लाख मजदूर काम करते हैं माल गोदाम के, और हर जगह हमारे मजदूर जो हैं उनको ऐसा महसूस हुआ है, जिस तरह सरकार का सकारात्मक रहा है, हमारे हर कार्यक्रम मीटिंग में देश के कैबिनेट मंत्री हमारे बीच आकर करके मजदूरों को संबोधित करते हैं, उनको विश्वास दिलाए हैं कि आपका हक अधिकार हमारी सरकार देने जा रही है और बहुत जल्द हम आपके लिए करने जा रहे हैं। मंत्रालय में भी हमारी बैठक होती है, सब जगह सकारात्मक है, और इस माल गोदाम का एक एक श्रमिक जो है वर्तमान सरकार के पक्ष में, चाहे किसी भी स्टेट में चुनाव हुआ हो उनके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।